नमस्कार, खबरें दिस बुलेटिन तुंदा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर, तो सबने शा पहले पेश ने खास खास खबर। पाकिस्तान की तरफा हीरानगर सैक्टर च की गई गोलीबारी कारण बीएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट शहीद। पूरे मुल्क च मनाया गया देशभक्ति की भावना कन्ने 71वां सेना दिवस। जम्मू कश्मीर च रमानदारी कायम करने पर दिता जा करता है खास ध्यान, आख्या भाजपा नेता अविनाश राय खन्ना होरें। खास खास खबर खबर तफसील कन्ने। पाकिस्तान की तरफा जम्मू प्रांत के हीरानगर सैक्टर च की गई संघर्ष विराम की खिलाफवर्जी कारण बीएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गया। हीरानगर की पंसर चौकी उपरों पाकिस्तानी स्नाइपर की गोली कारण जख्मी हुए हैं। बाद इलाज दौरान गंभीर जख्मे कारण उन्हें अस्पताल च दम त्रोड़ी दिता। पाकिस्तान की तरफा अंतर्राष्ट्रीय बन्ने ते कब्जा लाइन पर अज परतिये संघर्ष विराम की खिलाफवर्जी की गई। पाकिस्तानी रेंज ने हीरानगर सैक्टर च बीएसएफ चौकियों ते शहरी बस्तियों की अपनी गोलीबारी का निशाना बनाया। तोहर जोड़ी के सुंदरबनी सैक्टर च भी पाकिस्तानी सेना ने कब्जा लाइन के पारा बिजन कुसे भड़कावे ते गोलीबारी की। भारतीय जवानों की तरफा इस गोलीबारी का बरोबर परता दिता गया। पाकिस्तान की तरफ से हमारे एक जवान के ऊपर स्नाइपिंग अटेम्प्ट की गई है एंड वी हैव टेकन अप द इशू विद द काउंटर पार्ट, उनसे हमारी बात हुई है और वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, वी आर ऑन गार्ड। मुल्क भर च अज 71वां सेना दिवस देशभक्ति की भावना ते उत्साह कन्ने मनाया जा करदा है। यह ध्याड़ा 1949 च अजय दे रोज जनरल के एम करियप्पा हुंदे आसिया भारतीय सेना की कमान सांभने दे चेते च मनाया जांदा है। जनरल करियप्पा होरें ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर एफ आर आर बुचर हुंदे थमां अहुदा संभालिया हा ते आजादी परंत भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने हे। अज दिल्ली च लोआए गए मुख्य समारोह की संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत होरें आखिया जे पाकिस्तान कन्ने लगते बन्ने उपर आतंकी गतिविधियों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने च भारतीय सेना कदे भी झक नहीं करोग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें सेना दिवस पर फौजियों ते उनके परिवार आलें की शुभकामना पेश कीतियां। कार्रवाई पर हम भारी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हमारे पश्चिमी पड़ोसी देश आतंकवादियों को सहायता जारी रखे हुए है, हमारे घुसपैठ विरोधी ऑपरेशंस जारी हैं और रहेंगे। ताई जम्मू च भी सेना दिवस के मौके पर नेकां समारोह का आयोजन किया गया। जम्मू च सेना की टाइगर डिवीजन आसिया टाइगर युद्ध स्मारक उपर लोआए गए एक समारोह च राइजिंग स्टार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नैन उनकी अगुवाई च शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस मौके पर सेना के अधिकारियों ते जवानों के अलावा बड़ी मती गिनती च साबका फौजी भी उत्थे मौजूद है। तो रामबन च सेना की डेल्टा फोर्स की तरफा लोआए गए एक कार्यक्रम च शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर साबका फौजियों वीर नारियों ते उनके परिवार आले लई खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाद एक दस्तावेजी फिल्म भी दसी गई। सेना दिवस के सिलसिले च गए सांबा ब्रिगेड की तरफा साबका फौजियों लई उनकी परतिये बहाली उद्यमीकरण बारे सैमीनार के अलावा एक मेडिकल कैंप भी लोआया गया। इस समारोह का उद्घाटन सांबा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अनिल रमर होरें किया। मैंने भी पढ़ाई का आर्टिकल आया था, बूढ़ा और किश्तवाड़ में भी चल रहा है। डायरेक्टर जनरल रिसेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पश्चात आर के शर्मा आप एक सर्विस पर हो सर? जी सर, रामपुर और कोई राजस्थान है उसमें जो लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर। करेंगे कि चश्मे के नंबर से कितनी इम्प्रूवमेंट होती है वो सारा डायग्नोज करेंगे। एड्रेस इसमें लिखा हुआ फोन नंबर भी ये ड्रॉ अभी से डालना शुरू करेंगे जी। ठीक है, पढ़ते हो जी? ठीक है, हालात ठीक है, सब प्लान ठीक है। गवर्नर हुंदे सलाहकार के शर्मा होरें अज एक बैठक दौरान जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन दी जरूरतें दा जायजा लैंदे हुंदे पर चर्चा कीती। बैठक च कारपोरेशन दे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता हुंदे अलावा सरकारी अधिकारी भी मौजूद हे। इस मौके मेयर होरें कारपोरेशन दी जरूरतें ते फंड बारे एक मंग पत्र सलाहकार होरें की भेंट कीता।
रियासती चीफ सैकटरी बी वी आर सुब्रमण्यम होरें रियासता च जलतैर सलतैर ते जंगले जाड़ें दी दौलत दे संरक्षण पर जोर पांदे होई सरबंधित अधिकारियें गी आखेआ जो जंगले जाड़ें दी परतियै ब्हाली ते बूह्टे लाने दे कम्मै गी तेज करन। चीफ सैकटरी होर अज्ज जम्मू च कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथारिटी दी स्टेयरिंग कमेटी दी 16वीं बैठक गी संबोधित करा करदे हे। इस मौके पर जानकारी दित्ती गई जे रियासता च जंगलें दे संरक्षण सरबंधी कानून लागू होने परैंत उजड़े दे 41,000 हैक्टर जंगलाती रकबे पर परतियै बूह्टे लाइयै एह्दी ब्हाली कर दित्ती गई है। ए भी दस्सेआ गया जे नमें कानून तहत तय कीती गेदी कुल रकम चा 80% हिस्सा जंगलें जाड़ें ते जनौरें दी प्रबंधन गतिविधियें पर खर्च कीती जानी लोड़दी है। भारतीय जनता पार्टी दे राष्ट्रीय उप प्रधान ते जम्मू कश्मीर प्रभारी अविनाश राय खन्ना होरें आखेआ जे 2019 दे लोकसभा चुनाएं च लोक मजबूत सरकार की वोट देंगन, ना कि मजबूर सरकार की। जम्मू च अज्ज मीडिया दे लोकें गी संबोधित करदे होई श्री खन्ना होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर च भाजपा दा ध्यान रमानदारी पर है कि जे विकास दा सरबंध सिद्धे तौर पर रमानदारी कन्नै है। उन्हें कांग्रेस पीडीपी ते नेशनल कांफ्रेंस पर इल्जाम लाया जो लोकें की गुमराह करा करदियां न। भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत सरकार दी है, ना कि मजबूर सरकार दी है। आज जरूरत है देश को कि एक मजबूत सरकार जो है वो मिले। हमारी तैयारी चुनाव के लिए पूरी है। जितने काम हम लोगों ने किए हैं वो काम लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। हमारा हर कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। पीएचई सिंचाई त्याड़े की रोकथाम संबंधी महकमे के सैकटरी फारूक अहमद शाह ने नरवाल च जल भवन का दौरा लाई, उत्थे चला करदे निर्माण कम्मे का जायजा लिता। जल भवन के निर्माण च तकरीबन 7,48,00,000 रुपए की लागत आ करदी है ते इस बरे अक्तूबर महीने तोड़ी सबूरा होई जाग। इस मौके सैकटरी होरें संबंधी अधिकारियों को निर्देश दिता जे निर्माण कम्मे की रफ्तार बधाई जा ताजे ए काम मिथे गए समय अंदर सबूरा किया जा सके। उन्दे इस दौरे दौरान विभाग के कई सीनियर अधिकारी भी उन्दे कन्ने है। रियासी दी मिनी सैकटरीएट च सरपंचे लई 4 ध्याड़े लई चलने वाली समर्थ निर्माण ते सिखलाई कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम दा उद्घाटन जिला विकास कमिश्नर डॉ सागर दत्तात्रेय होरें एक समारोह दौरान कीता। एदे च हिस्सा लै करदे सरपंचे गी संबोधित करदे होई डीसी होरें गलाया जे इस कार्यक्रम दा मकसद पंचायती राज संस्थानें दे अमले गी मकामी स्वशासन ते मुंडली सतह पर होने आले विकास सरबंधी योजनाएं च उंदी भूमिका ते जिम्मेदारियां बारे जागरूक बनाना है। तोआई उधमपुर च भी नया गै सिखलाई कार्यक्रम शुरू हुआ जेदे च 47 पंचायतें दे सरपंच हिस्सा लै करदे न। डिप्टी कमिश्नर रविंद्र कुमार कार्यक्रम दे मुख परौने हे जिन्हें रिवायती जोत जलाइयै कार्यक्रम आरंभ कराया। इयां गै कठुआ च डिप्टी कमिश्नर रोहित खजूरिया होरें सरपंचें लई लोआए गेदे समर्थ निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके बोलदे होई उन्हें आखिया जे कार्यक्रम दौरान नमें चुने गए सरपंचें गी उन्दे कामकाज भूमिका ते जिम्मेदारियां बारे जानकारी दित्ती जाग तां जो मुंडले स्तर पर विकास काम खरी चाली कराई सकन। मतलब नजदीक से जानता हूँ। ट्रेनिंग का मकसद ये है कि आप लोगों को उधमपुर जिले के नीम मैडिकल अमले लिए अज एक ध्याड़े का सिखलाई प्रोग्राम लोया गया। चीफ मैडिकल अधिकारी के दफ्तर च लोए गए इस प्रोग्राम च इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस बारे सिखलाई दी गई। मुख्य मैडिकल अधिकारी डॉ केसी डोगरा और इस मौके मुख परौने हे। माहिर डॉक्टरें की तरफा संबंधित विषय के बख बख पहलुओं की जानकारी भी दी गई। बट अगर 2 वीक से ज्यादा हो जाए तो वो लॉक ठीक है क्या सच भी है या नहीं है ऐसी मैसेज देते हैं और हाँ मैडम जी आज ये जो हमारी वन डे वर्कशॉप चल रही है ये IDSP के बारे में है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के बारे में ये वन डे वर्कशॉप है। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हमने कैसे कैसे केस सर्विलेंस करनी है और उसको वीकली आगे कैसे रिपोर्ट करना है जिससे कि हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमारे एरिया में कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं बढ़ तो नहीं रही है और उसको हमने मॉनिटर करना है टाइमली, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देनी है। जिला रियासी च बनाए जाकर दे बिजली दे ग्रिड स्टेशन का काम इस बारे जुलाई महीने थोड़ी सबूरा करी लेते जाने की उम्मीद है। इस बारे जानकारी देते हुए रियासी दे जिला विकास कमिश्नर डॉ सागर दत्तात्रेय ने दसिया जे पूरे जिले च विकास सरगर्मियों की तेज किया जा करदा है ता जे लोकें की आधुनिक सतह की बुनियादी सहूलत हासिल करवाईया जाई सकन। उन्हें भी आखिया इस ग्रिड स्टेशन के निर्माण कन्ने बिजली की समस्या की बड़ी हद तोड़ी दूर किया जा सकोग।
चलिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा जो यहाँ पे ग्रिड स्टेशन है रियासी का, सीला ग्रिड स्टेशन, उसका काम जो है वो प्रगति पथ पर है। मुझे लगता है 100% इनका जो जितने भी इनके मटेरियल कंपोनेंट था वो सारा यहाँ पे आ चुका है। 50% ऑफ द वर्क ऑन द ग्राउंड इज़ ऑलरेडी कम्प्लीट और मुझे लगता है जुलाई तक इनका जो है वो पूरा जो है 100% काम पूरा हो जाएगा। इस ग्रिड स्टेशन के पूरा होने के बाद में मुझे लगता है रियासी वासियों के लिए जो है पावर की समस्या कई हद तक हमारी कम होती जाएगी। एक तो क्वालिटी ऑफ पावर है, लोड कंपोनेंट है, उसमें कई सारी जो है तब्दीली आई स्टेशन के बाद में। जम्मू दे उद्यम सिखलाई संस्थान च सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ते रीजनल आउटरीच ब्यूरो आसिया स्वच्छता जागरूकता अभियान उपर एक सेमिनार ते वर्कशॉप दा आयोजन किया गया। तकनीकी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर मुख्य प्रोने हैं, जिससे कि आईटीआई के चेयरमैन अनिल सूरी कार्यक्रम के मानजोग प्रोने हैं। कार्यक्रम च बोलते हुए जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साइंसदान डॉक्टर अनुराधा और कचरे की नवा रूप दिते जाने पर जोर पाया। उत्थे गए अपने संबोधन च मुख्य प्रोने और जैविक खाद्य पदार्थों की महत्ता ते कचरे थमां ऐल तैयार करने पर जोर पाया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण समय कन्ने नष्ट होने वाले कचरे की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। इदे लई बरते गए संयंत्र आईटीआई दे सपुर्द कर दिता गया। मती गिनतरी च आईटीआई दे विद्यार्थियों ते अमले ने इस कार्यक्रम च हिस्सा लेता। जहां तक हो सके पॉसिबल कीजिए। हमने जैसे एक्सपो जो मैडम थे आए, उन्होंने बताया सर्व शिक्षा के बारे में। ये आप दावे से मैं अपने घर की सफाई, मेरे अंदर कोई भी नौकर चाकर कभी आज तक नहीं आया, ना मेरी घरवाली पसंद करती है, दोनों मिलके करते हैं। और कचरा भी कभी हमने कितने प्लाट है हमारे सामने कभी फेंका नहीं। हाँ, जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत मिशन क्या है सबको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टीवी में सब आए दिन देख रहे हैं। इससे पहले भी स्वच्छ भारत अभियान मिशन को आगे ले जाने में हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे रीजनल आउटरीच ब्यूरो दी जोरी इकाई दी तरफा खेलो इंडिया बारे जागरूकता कार्यक्रम दा आयोजन कीता गया। जिले दी कालाकोट थाना पर मिनी स्टेडियम च लोए गए दे समारोह दौरान वक्ताएं विद्यार्थी जीवन च खेडे दे महत्व उपर लो पाई। इस मौके कुड़ियां दी खो खो मैच दा ते जागतें दे कबड्डी मैच दा आयोजन भी कीता गया। खिलाड़ी हैं वो बच्चों को कोचिंग दे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे खेलकर अच्छे खेलकर आगे आए। ते हुण तापमान। मौसम विभाग की सूचना मुजब जम्मू च अज दिने दा बद्धोबद्ध तापमान 18.5 डिग्री सैल्सियस जिले की कल राती दा घट्टो घट्ट तापमान 3.5 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। ते हुण खीर च खास खास खबरां इक वारी परतिए। पाकिस्तान की तरफा हीरानगर सैक्टर च कीती गई गोलीबारी कारण बीएसएफ दा असिस्टेंट कमांडेंट शहीद। पूरे मुल्खा च मनाए गए देशभक्ति की भावना कन्ने 71वां सेना दिवस ते जम्मू कश्मीर च रमानदारी कायम करने पर दिता जा करदा खास ध्यान, आख्या भाजपा नेता अविनाश राय खन्ना होरें। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना के दियो इजाजत। नमस्कार।